माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। बेटा मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, देर कर दी तुमने। मीटिंग में था, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, फारिग थोड़ी होता हूँ। हाँ बेटा बस वो 2 घंटे हो गए थे ना, इसलिए कह रहा। तो मोनी बेटे मैं क्या करूंगा इतने बहुत सारे पैसों का? रोशना की शादी। रब्बा मैं ना बाहर सब सुन रहा था, मैं भी तो रोशना की बहन हूँ ना, इसमें ना बहुत सारे पैसे हैं, रोशना की ना बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। आंटी जी ब्रांडेड चीजें भी तो पैसों से आती, कोई मुफ्त में तो पकड़ा के जाता नहीं। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। वो बेटा अब रोशना की शादी का वक्त आ गया, तुम लोगों ने प्लानिंग वगैरह तो कर ही ली होगी। खाने और शादी हॉल का जो भी खर्चा होगा वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। अब बेटा और बाकी का खर्चा हमने रोशना के लिए कुछ नहीं बनाया, वो सब भी तुम लोगों को देखना होगा। सब कुछ हमने करना है तो अबू ने क्या करना है? बेटा उन्होंने तो सब कुछ तुम लोगों को दे दिया, अब तो तुम लोग। क्या मतलब हमें दे दिया? अबू आप सारी जिंदगी सरकारी मुलाजमत करते रहे, आपकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, आपने कुछ सेव नहीं किया अपनी बेटी की शादी के लिए? बेटा क्या मैं तुम लोगों को हिसाब किताब दूंगा कि तुम लोगों की तालीम पे बहुत खर्च हुआ है, ये घर बनवाया है बेटा मैंने, हमारी शादियां हुई हैं। चल अब जब से हम पैदा हुए हैं ना तब से लेके कब कब क्या क्या दिया है आपने हमें वो आप गिनवाना शुरू कर देंगे। और तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, कुछ चुप खड़े हुए हो? हाँ अबू मैं तो कृष्णा की शादी के बाद दुबई चला जाऊंगा और वहां सेटल होने में टाइम लगता है, आपको पता है, और दुबई तो वैसे ही बहुत महंगा है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं होंगे। और प्लीज आप बिलाल से भी ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, पहले ही इसकी इतनी सैलरी कम है, हमारे अपने खर्चे इतनी मुश्किल से निकलते हैं। जो भी है अब तुम तीनों को ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। जिम्मेदारी और बोझ में फर्क होता है, ये दोनों तो पहले ही हाथ खड़ा कर चुके, अब सारी शादी का खर्चा मैं तो उठाने से रहा। खुर्रम सीधी सी बात, ये दोनों जितने पैसे भी देंगे उससे 20-25 हजार ज्यादा मैं दे सकता हूँ दाक्षा, इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखिए। और एक बात सच कहूं, आज आप लोग जिस सिचुएशन में हैं ना सारा कसूर इनका, इनके गलत फैसलों का। जरा सी समझदारी के साथ अगर इन्होंने वक्त पर सही फैसले किए होते ना आज आप इस सिचुएशन में नहीं होते। सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही कहा।
आज अब्बू जिस भी पोजीशन में है ना, इन्हीं का कसूर, इनकी ना समझी और इन्हीं की गलतियों का कसूर है। काश आप अपने बेटों के हाथों ब्लैकमेल ना हुए होते, काश कि आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन लोगों के नाम ना की होती, तो आप आज यूं बेबस ना खड़े होते। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ बेटा, बड़ा भाई है, भाई जिनकी नजरों में मेरे अब्बू के लिए एहतराम नहीं, आप चाहती मैं उनका एहतराम करूं, उनकी इज्जत करूं? मेरे अब्बू से बढ़कर मेरी नजर में किसी के लिए कोई इज्जत नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं, अपनी बातों के तीर चलाकर मेरे अम्मी अब्बू को मजीद तकलीफ मत दें, नहीं बर्दाश्त कर सकते हम, कुछ नहीं चाहिए हमें आप लोगों से, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ नहीं चाहिए हमें। मैंने फैसला कर लिया, मुझे शादी नहीं करनी है, आप उन सबको मना कर दे। नहीं बेटा, अब तू क्या कह रही हो बेटा, अब तो तारीख तय हो चुकी है, कैसे मना कर सकते हैं हम? कैसे नहीं हो सकता, अब वो उनको मना कर दे, कह दे आपकी बेटी राजी है। मुझसे आप दोनों की बेबसी नहीं देखी जाती, ना ही भाइयों की जंगदे ने। बिल्कुल ठीक, हम बिल्कुल ठीक। अबू बच्चे, मेरी बात सुनो, ये छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में होती है ना बेटे। अबू आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, मुझसे अपने भाइयों की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। वो मेरे बच्चे, मुझे तो तुम्हारे भाइयों से कोई भी शिकायत नहीं है। नहीं अबू, आप मेरे लिए नहीं करें। अबू मेरी बात से देखो, ये जो बाप बेटों के सामने मजबूर होते हैं ना, उनके दिलों में ऐसी बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा हो जाती है। बेटे मुझे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है ना, तुम्हारी शादी करनी है, तो उसके लिए बेटा ये छोटी मोटी बातें कोई मायने नहीं रखती, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। बेटा नहीं करे मेरे लिए, वो नहीं करे मेरे लिए। आप तीनों भाइयों को अम्मी अब्बू के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था, खुद ही सोचे ना आप, उनके पास अब और है ही क्या जिससे वो रोशना की शादी करेंगे? कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही तुम्हें? हमदर्दी की बात नहीं है करुण, एहसास की बात। मुझे बहू होते हुए उनका एहसास हो रहा है, आप तो फिर बेटे हैं उनके, आपको तो मुझसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। हरम,
आपको इस वक्त अम्मी अब्बू को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, रोशना की शादी करने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। तुम मुझे मशवरा दोगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? रियली उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखकर ही बात कर रही हूँ। बहन है आपकी, भाइयों का मान होते हैं भाई। बस बहुत सुन लिया मैंने। वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मुझे अपनी बहन की शादी में क्या करना है क्या नहीं करना, और इसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। समय दर्द हो रहा है, प्लीज कॉफी पिलवा दो। रजिया कहाँ है साहब, कोई नजर नहीं आ रहा। मुझे रोशना भाजी और बेगम साहिबा तो बड़े साहब के साथ बाजार गई हैं, और फरवा फरवा भाभी तो अपने कमरे में सो रही हैं। अच्छा सुनो, मुझे पहले चाय बना दो, ये बाद में करना। जी ठीक है भाभी। जा रही हो? ये वो रोशना अपनी शादी पे पहनेगी ना, तो ताई अम्मी ने मुझे कहा मैं इसे संभाल के रख। हाँ अच्छा अच्छा सही, लेकिन यहाँ पे घूम हो जाएगा क्या? हाँ तभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ। सुनो तुम इसे घूम मत करना, रोशना जब दुल्हन बनेगी ना तो अपनी शादी में पहनेगी। ठीक है अब मैं इसे ले जाऊँ? हाँ हाँ। अच्छा तुम संभाल कर रखोगी ना? हाँ मोनी संभाल के रखूंगी। और सुनो तुम किसी को मत बताना कि ये सेट मेरे पास है, वरना घूम जाएगा। नहीं 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 घुमाना मत घुमाना मत, रोशना ना नाराज हो जाएगी। ये मेरा और तुम्हारा सीक्रेट है मोनी, किसी को मत बताना ठीक है? नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। मुस्कान के पास है सेट, मोनी किसी को नहीं बताएगा, नाराज हो जाएगी। नहीं घूम जाएगा। समझ नहीं आ रहा, सेट अलमारी में ही था। अम्मी आपको कंफर्म है आपने अलमारी में रखा था सेट? ये भी तो हो सकता है कहीं और रख के भूल गई हो। नहीं मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन जब मैं रोशना को फरवा को सेट दिखा रही थी ना, वापस मैंने अलमारी में ही रखा था, और कल जब मैंने यहाँ कपड़े रखे मैंने देखा था इधर ही पड़ा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हमारे घर से तो आज तक कुछ गायब नहीं हुआ, ये क्या हो गया? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये, मतलब मैं भी अपने पैसे कभी रखे इधर तो भूल जाऊँ तो उसमें से एक रुपया भी कभी गुम नहीं हुआ। आपको कुछ ढूंढ रहे हैं?
हाँ बेटे, वो रोशना की शादी का सेट खो गया कहीं। अरे अब्बू, वो गुम थोड़ी हुआ है। तुम्हें पता है कहाँ है? हाँ मुझे पता है। तो बताओ ना, देखो ना अम्मी अब्बू कितने परेशान हो रहे हैं। वो ना मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैंने बताया ना तो वो फिर सच में गुम हो जाएगा। पर रोशना शादी में क्या पहनेगी? मुन्नी बेटा, ये तुम्हें किसने कहा है? ये तो मेरा मुस्कान का सीक्रेट है। ये आप किस सेट की बात कर रही हैं ताई? वो जो तुमने मेरी अलमारी से निकाला है, अब शराफत से मुझे वापस कर दो। आप कैसी बातें कर रही हैं ताई? मैं क्यों आपकी अलमारी से कोई सेट निकालूंगी? देखो बेटा, रोशना की शादी की वजह से पहले ही बहुत परेशान है, उसमें मजीद इजाफा ना करो, कुछ सेट वापस कर दो, हम बात को यहीं खत्म कर देंगे। ताई वो आप क्या कह रहे हैं? आपको मैं चोर लगती हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे किसी चोर के माथे पे नहीं लिखा होता ना कि वो चोर है, वैसे तुम्हारा माथा है बिल्कुल साफ। क्या बकवास कर रही हो तुम? यही कि जो घटिया हरकत तुमने की है ना, उसका एनी शायद मौजूद है हमारे पास। मुस्कान, तुम्हारे घर वालों का दिमाग खराब हो गया बिलाल, ये भूल गए ये बात किससे कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा भी आइडिया, आप लोग मुस्कान पे किस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं? वो इल्जाम नहीं लगा रहा, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है ना, बताओ मुनी, भाई को बताओ जेवर किसने चोरी किया? बिलाल, वो जो अम्मी का सेट था ना, वो मुस्कान ने उठाया है, वो जो रोशना ने अपनी शादी में पहनना था। ये आपसे किसने कहा मुनी? मैंने खुद देखा था, वो सेट इसके हाथ में था जब ये अम्मी के कमरे से ना बाहर निकल रही थी, और पता है मुझे कहती है कि किसी को नहीं बताना वरना सेट सच में गुम हो जाएगा। झूठी काहे की? तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये मुनी झूठ बोल रही है। मैं झूठा नहीं हूँ, तुम झूठी हो, तुम चोरनी हो। चलो शाबाश, वापस करो वो सेट रोशना का, वो अपनी शादी में पहनेगी। चलो जल्दी से दो वापस, अभी निकालो सेट। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक करने की नौबत नहीं आती अगर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। और सुनो बिलाल, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अम्मी का सेट इससे वापस निकलवाओ। समझ आ रही है बात? आप लोगों के कहने से मैं चोर नहीं बन जाऊंगी, और ये तो पागल है। मैं समझती हूँ मैं क्यों तमाशा हुआ है, उससे बदला लेना चाहते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? किस बात का बदला? तुमने जो ताया को पैसे नहीं दिए थे ना शादी पे, इसलिए बदला ले रहे हैं मुझसे, मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। मुस्कान, तुम फालतू में ओवर रिएक्ट कर रही हो और कुछ भी नहीं। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? मैंने ये कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम जो भी कहो बिलाल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आइंदा अगर मेरे साथ इस घर में ज्यादती हुई ना, तो मुझसे कोई अच्छी की उम्मीद ना रखना। तुम मेरे घर में रहते हो और मुझे मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा दिए। मैंने खुद देखा था, वो सेट इसके हाथ में था जब ये अम्मी के कमरे से ना बाहर निकल रही थी, और पता है मुझे कहती है कि किसी को नहीं बताना वरना सेट सच में गुम हो जाएगा। हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मुस्कान से सेट लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
कैसे? उसके कमरे की तलाशी लेकर, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि वो सेट अभी भी उसी कमरे में होगा। शाबाश भाई शाबाश, यानी खानदान की बहू बेटियों की बस यही इज्जत होनी बाकी रह गई थी। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। अम्मी पानी पी लीजिए। नहीं बेटा यहाँ रख दो। अरे पी लो ज़किया, बच्चे ठीक कह रहे हैं तो तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। नहीं अम्मी सही कह रहे हैं, प्लीज। मोनी झूठ नहीं बोलती, अगर उसने मुस्कान को सेट चुराते हुए नहीं देखा होता तो वो कुछ ना कहती। हमें कौन से इख्तिलाफ है तुम्हारी बात से, मगर हमारी बात मानेगा कौन यहाँ? जब हमें मोनी की बात पर यकीन है तो दूसरों की बातों पर ध्यान देने की क्या जरूरत है अबू? इसे बेहतर यही होगा कि दूसरों की परवाह ना करें और अपनी फिक्र करें। और मुस्कान ने जो गिरीवी हरकत की है उस पर इस तरह चुप बैठ के उसका हौसला ना बढ़ाएं, बल्कि कुछ भी करके वो सेट उससे वापस लें। नहीं नहीं इसका कोई फायदा नहीं, ना वो ये मानेगी कि उसने चोरी की है और ना ही सेट वापस करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मुस्कान से सेट लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कैसे? उसके कमरे की तलाशी लेकर, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि वो सेट अभी भी उसी कमरे में होगा। शाबाश भाई शाबाश, यानी खानदान की बहू बेटियों की बस यही इज्जत होनी बाकी रह गई थी। उस पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे, मोनी ने उसको खुद सेट उठाकर जाते हुए देखा है। वाह भाई वाह, उस पगलिया ने कहा कि उसने देखा है और आप सबने यकीन भी कर लिया। आपको कोई हक नहीं है मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करने का। अच्छा मुझे कोई हक नहीं है आपकी बेटी के बारे में ऐसी बात करने, और आप लोगों को ये जेब देता है कि मेरी मासूम बच्ची के ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाए और उसके कमरे की तलाशी लेने की बातें करें। ज़किया तुम रहने दो, मैं बात करता हूँ। आप क्या बात करेंगे जलाल भाई, क्या बात करेंगे आप? आप तो खुद अपनी बीवी के साथ इस सारी साजिश में शामिल हैं। आप लोगों को जरा ख्याल नहीं आया कि मेरी मासूम बेटी को आप लोगों ने चोर बना दिया? अरे इतना तो सोचा होता कि वो सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, आपके मरहूम भाई की बेटी है। अफसोस कि आप सब में से किसी को भी उस नेक इंसान का ख्याल नहीं आया। ख्याल तो आपकी बेटी को भी नहीं आया, ना अपने ताया का और ना ही अपनी कजन का जिसकी शादी हो रही है। शादी के खर्चों में हाथ बटाने से तो गई थे, उल्टा लुट रहे हैं हम। और अगर आपको अपनी तरबियत पे इतना ही भरोसा है तो लेने दो उसके कमरे की तलाशी, सब कुछ साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। सच सच वो है जो मेरी बेटी कह रही है। खबरदार खबरदार, जो किसी ने मेरी बेटी के कमरे की तलाशी लेने की कोशिश भी की होगी, और जलाल भाई समझा ले आप अपनी बहू को, ये मेरे मुंह ना लगे और ना ही मेरी बेटी के ऊपर कीचड़ उछाले ये। अच्छा तो मतलब ये हुआ कि मुस्कान ने जो किया उसे वो अकेली नहीं, आप भी शामिल हैं उसमें। पर बाप बस। जलाल भाई कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी मौजूदगी में मुझ बेवा के साथ ये सलूक होगा, हम मेरी यतीम बच्ची के ऊपर इस तरह आप लोग चोरी का इल्जाम लगाएंगे। बस बस जो सुनना था ना सुन लिया, अब खबरदार कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। लेके जा रही हूं मैं मुस्कान को अपने साथ, वो नहीं रहेगी इस घर में। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुस्कान अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी, आएगी जरूर आएगी, तब आएगी जब आप सब अपने कहे हुए एक एक लफ्ज की उससे खुद आके माफी मांगेंगे। और याद रखिएगा एक बात, अगर आप लोग जल्द अज जल्द मुस्कान को मनाने के लिए ना लेने आए ना तो इस घर में भी कोई नहीं रहेगा आप में से। मुस्कान सामान पैक करो। तुम उनको समझाने के बजाय उनके साथ जाने के लिए राजी हो गई हो? तो और क्या करूं, इधर ही रहूं और जो तुम्हारे घर वालों का दिल चाहे मेरे साथ सलूक करें।
मेरी बात सुनो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए कोई तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। यही तो मसला है बिलाल, तुम्हारे होते हुए मेरे और अम्मी के साथ बाहर इतना कुछ हो गया और तुमने कुछ भी नहीं किया। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होती है मुझे तुमसे सिर्फ खामोशी मिलती है, लेकिन अब नहीं। अब लोगों को भी पता चलेगा कि मैं कोई लावारिस नहीं हूं, मेरी हिमायत करने वाले भी बहुत हैं अभी। प्लीज यार मुस्कान इस तरह मत करो, बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। 15 दिन में रोशना की शादी है, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, कोई आके पूछेगा कि मुस्कान कहाँ है तो मैं उनको क्या बोलूंगा? तो ठीक है ना, उनको बोल देना मेरी बीवी ने मेरी बहन का सेट चोरी किया था, मैंने उसको घर से निकाल दिया। वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम्हारे अम्मी अब्बू तो तुम्हें मेरे अगेंस्ट कर देंगे, तुम भी समझोगे मैंने चोरी की है। ऐसा नहीं है, कोई कुछ भी कहता है मुझे तुम पे भरोसा है। सबूत दे सकते हो? क्या सबूत दो बताओ। अपने घर वालों को झूठा साबित करो और मेरे घर लेके आओ अपने माँ बाप को मुझसे माफी मांगने। और याद रहे अगर तुम ये ना कर सके तो जो अम्मी ने बाहर कहा है वही होगा, क्योंकि ये मेरा घर है, वापस तो मैंने यही आना। अब मेरी वजह से खुद को परेशान मत करें, इस बात को यही खत्म करते, मुझे सेट नहीं चाहिए। देखा अबू, आपके गलत फैसले ने आपको कितनी परेशानी में डाल दी है, काश आप मेरी बात मान लेते और ये घर मुस्कान के नाम पे नहीं करते। भाई आप अब्बू को दिलासा देने की बजाय उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहे हैं। अब मुस्कान परेशान करेगी, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं उसको हरगिज मनाने घर नहीं जाऊंगी, भले वो मुझे घर से निकाल दे। ठीक है रियो, हम वहां नहीं जाएंगे और आप लोगों को भी कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, आप लोगों की भी कोई इज्जत है। कैसी इज्जत है? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि जो हाथ खाली होते उनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। ना माशरे में और ना औलाद की नजर में। उनकी हैसियत तो बस एक बेकार सी शय की हो जाए, जैसे जलाल अहमद की और उनकी बीवी की। तुम्हें परेशान होने की या अपने जहन पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है, हमें अब भी इतनी हिम्मत बाकी है कि हम अपने मसाइल का हल निकाल। जब एक पल में टूट ही जाए फिर एक पल में जुड़ते नहीं है ये रिश्ते भी।
काफी महंगा लग रहा है। हाँ बहुत महंगा सेट है। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी ने भी ऐसा ही कोई भारी भरकम सा सेट मुझे दिया था शादी में, लेकिन तुम्हारे अब्बा है ना, उन्होंने फजूल कारोबारी चक्करों में बेच दिया। अम्मी प्लीज अब आप अपने दुखड़े लेके ना बैठ जाना। है यानी अब तुम मुझे भी बातें सुनाओगी? अच्छा मजाक कर रही थी, नाराज तो ना हो। अम्मी एक बात बताएं, आपको लगता ताया आएंगे मुझे मनाने? हाँ क्यों नहीं, उन्होंने घर में नहीं रहना क्या? वैसे मुस्कान मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें किसने मशवरा दिया था उस पागल लड़की के सामने सेट उठाने का? अम्मी उसके सामने सेट थोड़ी उठाया था मैंने, वो तो जब मैं कमरे से निकल रही थी दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी। इतना समझाया उस पागल को, फिर भी जाके उसने सबके सामने बोल दिया और सबने उस पागल का यकीन भी कर लिया। मैं क्या करती? और बिलाल उसे भी शक है क्या तुम? नहीं नहीं, उसकी तो मैंने नौबत ही नहीं आने दी। उसे पहले ही कह दिया था कि ताई अम्मी मुझसे बदला ले रही हैं इल्जाम लगा के, वो रोशना की शादी में पैसे देने से मना किया था ना। बिल्कुल ठीक किया। मैं तो कहती हूँ आप यहाँ से चलने की करो, क्योंकि मुझे इस घर में रोज रोज जलील होने का कोई शौक नहीं है। तुम खामोश क्यों बैठे हो, कुछ बोल तो क्यों नहीं रहे हो? क्या कहूं, मम्मी अब्बू की बेबसी देख के तरस आ रहा है मुझे। तरस? किस बात का तरस? किसने कहा था उन्हें किसी पराई लड़की के नाम पे अपना घर कर दें? अपनी बेटे की जिद अपनी मर्जी से पूरी की ना उन्होंने, तो अब तो भुगतना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये बात कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब रोशना की शादी हो पाएगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? जो मैं देख रही हूँ वही कह रही हूँ। अब्बू के पास तो पैसे है नहीं, रही से एक कसर मुस्कान ने ये जेवर चोरी करके पूरी कर दी। अब हमारा रुकना यहाँ फजूल है। मैं अब्बू को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तो तुम यहाँ रुक कर क्या कर लोगे? एक मिनट, तुम कहीं ये तो नहीं सोचो कि तुम अपने पैसों से रुशना की शादी करोगे? अगर तुम्हारे जहन में ऐसी कोई बात है तो उसको फौरन निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं देने वाली। ये अम्मी अबू का मसला है, वो खुद ही इसका हल ढूंढ लेंगे। तुम बस यहाँ से जल्द निकलने की करो, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज रोज मुस्कान के हाथों बेइज्जत नहीं हो सकती। कैसे संभाल के रखा था मैंने अपना सेट, मुझे इतनी हसरत थी कि जब हमारी रोशना की शादी होगी तो मैं खुद उसे पहनाऊं। तुम एक सेट की वजह से इतना परेशान हो सकी? मेरी तरह देख, मेरा तो सब कुछ लूट गया, मैं सर पे अपनी छत रही, ना बेटे अपने रहे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिन बेटों को मैं खोने के डर से अपना सब कुछ दे रहा हूं, वो मेरे हाथ खाली करके मुझसे गैर हो जाए। काश काश उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि उनकी बेहिसी से मुझे कितनी तकलीफ होती है। काश उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि बूढ़ा हो गया हूं मैं, अब हालात का अकेले मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हौसला कीजिए जलाल, अल्लाह पे भरोसा कीजिए,
और कोई नहीं सही, लेकिन रब तो हमारे साथ है ना। और वो देखते ही देखते एक दिन हमारी मुश्किलात दूर कर देगा। हौसला कीजिए, दुआ करो कि वो दिन मेरी जिंदगी में ही आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अल्लाह मेरी जिंदगी भी आपको दे दे। नहीं ज़किया बेगम, नहीं, मुझे तो पहले ही अपनी जिंदगी बहुत लंबी लगती है और तुम अपनी जिंदगी मेरे नाम लिख रही हो। ना बाबा, मैं जी चुका अपनी जिंदगी, तुम जियो अपनी जिंदगी। आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। रब्बा सब, मैं तो कहती हूँ ये सेट गली बेच देते हैं बाजार जाके। क्यों भाई, घर में पड़ा होगा तो डर लगा रहेगा। किस बात का डर? चोरी चकारी का, और किस बात का। और बिलाल भी आता जाता है, खुदा ना खास्ता जाने अनजाने में उसकी नजर पड़ गई तो। नहीं, बात आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, चलते हैं फिर कल। बस तो मैं तो कहती हूँ कल ही चल के उसको बेच देते हैं, और इससे जो पैसे मिले ना अपने अकाउंट में रख लेना। और सुन, बिलाल को ना बताना, ना कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, बिलाल को नहीं पता चला। बिलाल, क्यों कर रहे है फोन? उठाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रख दो इधर। क्यों? अरे समझा करो बात को, नाराज होके आई हो, बस आज के दिन छोड़ दो, तड़पने दो जरा उसे। उसे भी तो एहसास हो कि तुम बेकसूर हो और उसके घर वाले कसूरवार। एक बार ये हो जाने, फिर देखना अगर एक एक से नाक ना रगड़वाई ना जमीन पे, तो तुम्हारी मां का नाम भी रक्षिंदन। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया था कि अपनी जमा पूंजी अपने बेटों के हवाले मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। मुझे मालूम था आने वाले वक्त में तुम पछताना पड़ेगा। अब देख लो, जिसका डर था वही हो गया ना। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा यार कि जब हमने अपने सारे फर्ज अदा किए हैं तो हमारी औलाद अपने हकूक क्यों नहीं अदा करती। भाई, इस दौर के जितने वालदैन हैं वो तो अपने फर्ज अदा कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से, लेकिन भाई आजकल की जनरेशन अपने वालदैन से लेने के लिए तो हाथ बढ़ा देती है, देने के लिए नहीं। अब मुझे ही देख लो, मेरे बच्चों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। लंदन अमेरिका में रहते, डॉलर्स कमा रहे हैं डॉलर्स, लेकिन कसम ले लो जो कभी एक देला मुझे या अपनी माँ को भेजा। चला, अपनी औलाद से इतनी उम्मीदें ना बांधो कि उनके सख्त रवैये पर तुम्हें दुख हो। यार जहीर, जो कुछ मेरे पास था वो सब कुछ मैंने अपने बेटों को दे दिया। अब बेटी की शादी करनी है तो अपने बेटों से नहीं मांगूंगा, तो और किससे मांगूंगा। उनसे डिमांड मत करो, जो कहती हैं ले लो, नहीं देती तो ठीक है। वैसे मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, उसके कॉलेज में तुम्हें जॉब दिलवाने के लिए, और देखते हैं। मैंने उससे ये भी कहा है कि वो तुम्हें चंद महीने की सैलरी भी दे दो एडवांस, बाकी मैं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कर दूंगा। नहीं यार जहीर, पहले तुमने बहुत कुछ किया है, थैंक यू। अब तुम ज्यादती कर रहे हो अपने भाई के साथ, भाई तो समझते हो ना मुझे। मैं नाराज क्यों हो रहे हो यार? चलो ठीक है, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन एक शर्त है, आज चाय के पैसे मैं दूंगा। वाह, बड़ा कमाल करोगे तुम, चाय और मंगा लो। माँ मुझको झूलाओ ना, झूला रे माँ मुझको
झूलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झूलाओ ना झूला, रे माँ मुझको झूलाओ ना झूला, माँ मुझको झूलाओ ना झूला, रे माँ मुझको झूलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला, रे माँ मुझको झूलाओ ना झूला, रे माँ मुझको झूलाओ ना झूला।